Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our lecture of maths from unit number 6, ratio and proportion, book page 93 and exercise 6b, question number 12. Question 1 to 11 hum previous lectures mein solve kar chuke hain. Now question 12 is the ratio of the number of boys to that of the girls. Boys ki ratio girls ki nisbat in a school ek girls mein is 4:3. वो क्या है 4:3. अब बॉयज़ की रेशियो गर्ल्स की नस्बत में थी तो इसका मतलब कि 4 जो रेशियो है वो बॉयज़ की है और 3 रेशियो गर्ल्स की है. मीन्स एक स्कूल है जिसमें रेशियो है बॉयज़ और गर्ल्स की 4:3, ठीक है, और 4 जो है वो बॉयज़ की रेशियो है और 3 गर्ल्स की. इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल इज़ 162, अगर जो गर्ल्स हैं स्कूल में वो उनके नंबर की नंबरिंग स्ट्रेंथ कितनी है 162, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ इन इट. तो हमने नंबर ऑफ बॉयज़ फाइंड करने होंगे कि वो स्कूल में कितने हैं. देन और इसके अलावा हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने नंबर ऑफ बॉयज़ फाइंड करने हैं स्कूल में, देन हमने नंबर ऑफ गर्ल्स हमें गिवन है उसको हमने टोटल नंबर से उसकी रेशियो फाइंड करनी है. सॉल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं. द रेशियो ऑफ बॉयज़ टू डेट ऑफ द गर्ल्स, रेशियो हमारे पास गिवन थी बॉयज़ की और गर्ल्स की, तो वो रेशियो क्या थी 4:3, और 4:3 में 4 रेशियो क्या थी बॉयज़ की और 3 क्या थी गर्ल्स की. लेट्स द नंबर ऑफ बॉयज़ हमने फाइंड क्या करना होता है, जो फाइंड करना होता है फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको लेट कर देते हैं इक्वल टू एक्स. अब वाइज भी कर सकते हैं, अल्फाबेट कोई भी बट स्मॉल लेटर. लेट द नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल, बॉयज स्कूल में उनके नंबरिंग उनकी स्ट्रेंथ कितनी है इज इक्वल टू एक्स. देन वी कैन एक्सप्रेस इट एज 4:3 एक्स डिवाइडेड बाई 162. हमारे पास ये रेशियो गिवन थी, ये एक्स हमने लेट किया है जो नंबर ऑफ बॉयज है और नंबर ऑफ गर्ल्स हमें गिवन था. बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस पे जब फॉलो करेंगे ये रूल, तो 4:3 एक्स बाय 162, 4 को 162 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. 3 को एक्स को मल्टीप्लाई किया 3x, 162 को 4 से मल्टीप्लाई किया 648. 3x इज इक्वल टू 648, डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ साइड्स, 3 को दोनों तरफ डिवाइड करेंगे क्योंकि हमने इस 3 को खत्म करना है. 3x डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 648 बट डिवाइड बाय 3, 3 से कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे 3 2s are 6, 3 1s are 3, यहाँ पे 1 कैरी जाएगा, 3 6s are 18 आ जाएगा. x इज इक्वल टू 216, नंबर ऑफ बॉयज़ हमारे पास आ गए हैं 216. फर्स्ट जो हमसे पूछा गया था कि नंबर ऑफ बॉयज़ फाइंड करें उसका आंसर हमने फाइंड कर लिया है, वो आंसर है 216, कि अगर 116 गर्ल्स हैं तो 216 स्कूल में बॉयज़ हैं. देखें रेशियोज में भी बॉयज़ ज़्यादा थे. नाउ अब हमने सेकेंड क्या फाइंड करना था, फाइंड द रेशियो ऑफ द गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. अब हमने गर्ल्स की रेशियो फाइंड करनी है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालना होगा. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज. नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी थी 162, नंबर ऑफ बॉयज 216 इज इक्वल टू 378. अब हमारे पास नंबर ऑफ गर्ल्स की और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की रेशियो फाइंड करनी है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स लिखी और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखी, ठीक है. 162 डिवाइडेड बाय डिवाइड करेंगे 378, ओके. हमने नंबर ऑफ गर्ल्स और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को डिवाइड करना है तो हम लिखेंगे 372 एंड 378. यहाँ पे अगर 7 क्लियर नहीं है, अब हमने इनको एक ऐसे टेबल से डिवाइड करना होगा जो टेबल इन दोनों को डिवाइड करे, ओके. 3 3 1s are 3, 3 2s are 6, 1 यहाँ पे कैरी जाएगा, 3 6s are 18, 3 5s are 15, यहाँ पे 1 कैरी जाएगा, 3 4s are 12. हमारे पास आया 54 डिवाइडेड बाय 126. इसका मतलब ये मज़ीद सिंप्लीफाई होगा, 54 डिवाइडेड बाय 126. अब हम इसको वंस अगेन 3 के टेबल से कट करेंगे, 3 4s are 12, 3 2s are 6, 3 1s are 3, और यहाँ पे 2 कैरी जाएगा, 3 8s are 24, 18 डिवाइडेड बाय 42. वंस अगेन ये मज़ीद सिंप्लीफाई होगा, 18 डिवाइडेड बाय 42, 3 के टेबल से करेंगे, सॉरी 6 के टेबल से करेंगे, 6 3s are 18, 6 7s are 42. हमारे पास रेशियो आई है 3:7, 3:7 इज द रेशियो. ये हमारे पास वो रेशियो है, हमने गर्ल्स की रेशियो फाइंड की है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मीन्स टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की जो रेशियो है 7 है उसमें से 3 रेशियो
गर्ल्स की है 4 रेशियो बॉय की, बॉयज की है। देखिए हमारे पास ये रेशियो हमारे पास बॉयज की 4 ही बचती है ना, क्योंकि अगर 3 हमने गर्ल्स की निकाली है तो ऑटोमेटिकली बॉयज की 4 ही बचती है। इट मीन्स ये हमारा आंसर ट्रू है, ये एक किस्म की वेरिफिकेशन होगी। अब हमारे आंसर्स 2 आए थे इसमें, एक हमने चीज फाइंड करनी थी नंबर ऑफ बॉयज और दूसरा रेशियो फाइंड करनी थी गर्ल्स की टोटल नंबर में से। तो आंसर है हमारा कंप्लीट 216 एंड 3:7 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन 13 इज इफ 2 कारपेंटर्स मेक अ टेबल इन 3 डेज। अगर 2 कारपेंटर 3 दिनों में एक टेबल बनाते हैं, हाउ मैनी डेज विल इट टेक 3 कारपेंटर्स टू कंप्लीट द टेबल। तो 3 कारपेंटर्स उसी टेबल को कंप्लीट करने में कितने दिन लगाएंगे। आप देखें ऑब्वियसली वो कम दिन लगाएंगे, क्योंकि पहले 2 कारपेंटर्स काम कर रहे थे, अब 3 कारपेंटर्स काम कर रहे हैं। तो पहले अगर 3 दिन लग रहे थे तो अब कम टाइम लगेगा। लेट द टाइम टेक टू कंप्लीट अ टेबल बाय 3 कारपेंटर्स। अब 3 कारपेंटर्स जितना टाइम लगाएंगे वो हमने फाइंड करना है, तो उसको किसके इक्वल लेट कर लेंगे, एक्स के। दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, इसको हम एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं, कारपेंटर्स एंड डेज। एक तरफ कारपेंटर्स को रखेंगे, दूसरी तरफ डेज को। कारपेंटर्स पहले कितने थे, 2, फिर 3 हो गए, एंड डेज 3 और फिर एक्स। दिस इज द इनवर्स प्रोपोर्शन, बिकॉज आप देखें अगर यहाँ पे कारपेंटर कम थे फिर ज्यादा हो गए। अब यहाँ पे अगर एक चीज कम थी, अगर एक चीज डिक्रीज थी तो दूसरी इंक्रीज कर रही है। यहाँ पे 3 डेज थे, यहाँ पे कम हो जाएगी, यहाँ पे ज्यादा थे। अगर एक चीज इंक्रीज करिए दूसरी डिक्रीज करिए, तो ये कौन सी प्रोपोर्शन है, इनवर्स प्रोपोर्शन। This is the inverse proportion because the more carpenters employed to complete the same table. उसी table को complete करने के लिए चीज़ वही है, लेकिन हमारे पास carpenters ज़्यादा हो गए। अगर एक बढ़ रही है तो एक कम हो रही है, तो हमारे पास क्या इसकी रेशियो बनेगी, 2:3 proportion x:3। ठीक है, 2:3 को कैसे लिखेंगे, 2/3 proportion x/3 by cross product। Cross product apply करेंगे, 2/3 x/3 क्रॉस प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को x से मल्टीप्लाई किया, क्या आया, 3x इज इक्वल टू 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 6। 3x इज इक्वल टू 6 डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ साइड्स। 3 को हम दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास, क्योंकि हमने 3 को खत्म करना है, जस्ट x चाहिए हमें, हमने जस्ट x की वैल्यू फाइंड करनी है। Dividing by 3 on both sides, 3x divided by 3, 6/3. 3 को 3 से कैंसिल कर देंगे, x आ जाएगा, और 3 को जब 6 से करेंगे, 3 2s are 6, x is equal to 2. 2 answer. It means अगर 2 carpenters 3 दिनों में एक table complete कर रहे थे, तो 3 carpenters 2 दिनों में एक table complete करेंगे. Okay? 2 हमारे पास answer आ गया है. Next question number 14. A policeman patrols 5 blocks in an hour. जो पुलिसमैन है वो 5 ब्लॉक्स को कवर करता है एक घंटे में। इफ़ 2 मोर पुलिसमैन आर असाइन टू द एरिया, अगर 2 मोर पुलिसमैन, 2 और पुलिसमैन उसी एरिया में हम वो कहते हैं कि उसमें असाइन कर दिए जाएं, उनकी ड्यूटी लगा दी जाए, हाउ मैनी ब्लॉक्स कैन दे कवर इन द सेम टाइम। तो उसी टाइम में, ठीक है, उसी टाइम में वो कितना एरिया कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखें, लेट द नंबर ऑफ ब्लॉक्स, नंबर ऑफ ब्लॉक्स अब हमने फाइंड क्या करना है कि अगर 2 मोर पुलिसमैन होंगे तो वो कितने कवर करेंगे ब्लॉक्स। ठीक है, तो लेट द नंबर ऑफ ब्लॉक्स दैट कैन कवर 2 मोर पुलिसमैन इज इक्वल टू एक्स। दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, एक तरफ पुलिसमैन को रखेंगे, पहले 1 थे अब 3। अब देखें 3 कैसे, उन्होंने 2 मोर, पहले 1 थे ना, फिर उन्होंने ये नहीं कहा कि देन 2 अगर करें, उन्होंने कहा 2 मोर, इट मीन्स वो 2 उस 1 के साथ मिलके काम करेंगे। तो 1 के साथ जब 2 मोर पुलिसमैन आ जाएंगे तो वो टोटल कितने बन जाएंगे,
थ्री. सो पुलिसमैन पहले वन थे फिर थ्री. एक चीज अगर कम थी तो बढ़ गई है, ब्लॉक्स फाइव और फिर ये भी एक्स. दिस इज एन, यहां पे सॉरी, जब हमारे पास इनवर्स प्रोपोर्शन होता है तो हम एक्स को ऊपर लिखते हैं न्यूमिरेटर में. ठीक है, हमारे पास ये वैल्यू जो होती है, ठीक है, हम इसको x रेशो 3 लिखते हैं. यहाँ पे मैंने 5 रेशो x लिखा, ये यहाँ पे बाय मिस्टेक लिखा गया, यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन थी. ओके, यहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शन नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन है. क्यों? क्योंकि हमारे पास ब्लॉक्स भी ज्यादा हो रहे हैं और दूसरी तरफ पुलिसमैन भी ज्यादा हो रहे हैं, तो दोनों चीजें हमारे पास इंक्रीज कर रही हैं, एक ही फ्लो में जा रही हैं, तो हमारे पास ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगी. और हम इसको लिखेंगे x रेशो 5 नहीं लिखेंगे, x इज टू 5 नहीं लिखेंगे, 5 इज टू x लिखेंगे. दिस इज एन डायरेक्ट प्रोपोर्शन बिकॉज द मोर पुलिसमैन आर असाइंड फॉर द सेम टाइम. ठीक है, मोर पुलिसमैन उसी टाइम वही है बट ब्लॉक्स हमारे पास चेंज होंगे. 1 इज टू 3 प्रोपोर्शन, 5 इज टू 6. ये पेज हम एक्सपेंड कर चुके थे, ये हमारे पास यहाँ पे हमने यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व किया था. अब हम इसको रिवीजन फॉर्म में लिखेंगे, 1/3 एंड 5/6. क्रॉस प्रोडक्ट फॉलो करेंगे जब, तो 1 को x से मल्टीप्लाई करना है, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करना है x, और 5 मल्टीप्लाई 3 x इज इक्वल टू 14. तो उन्होंने पहले कहा था एक पुलिसमैन 5 ब्लॉक्स कवर कर रहा है, फिर 3 पुलिसमैन हो गए, मीन्स वो भी बढ़ गए और 5 ब्लॉक्स की जगह 15 ब्लॉक्स, दोनों चीज़ें इंक्रीज कर रही थी, तो वो हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन आ गई है. ठीक है, हमारे पास आंसर है 15. मीन्स अगर एक पुलिसमैन 5 ब्लॉक्स कवर कर रहा था तो 3 पुलिसमैन 15 ब्लॉक्स कवर करेंगे. नाउ क्वेश्चन 12, 13 एंड 14 आर कंप्लीटेड एंड और एक्सरसाइज 6B इज आल्सो कंप्लीटेड. नेक्स्ट हमारे पास कुछ मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चंस होंगे, कुछ स्टेटमेंट्स होंगी और उसके लिए मल्टीपल चॉइसेस गिवन होंगी. आपने हमने सेलेक्ट करना होगा विच वन इज ट्रू. नंबर 1, फॉर अ चॉकलेट मिल्क शेक ब्लेंड 1 कप होल मिल्क एंड 2 कप्स चॉकलेट आइसक्रीम. वो कहते हैं कि एक चॉकलेट मिल्क शेक के लिए 1 कप हमने मिल्क का ब्लेंड किया और 2 कप चॉकलेट आइसक्रीम के. सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट. तो इसमें रेशो क्या आएगी? ठीक है, देखिए, 1 कप मिल्क का था और 2 कप्स चॉकलेट के. ठीक है, तो आइसक्रीम मिल्क आइसक्रीम के उन्होंने 2 आइसक्रीम के 2 कप्स थे हमारे पास 2:1. यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आइसक्रीम का 1 कप और मिल्क के 2 कप्स, जो कि गलत है. मिल्क शेक आइसक्रीम मिल्क शेक की तो हमने रेशो फाइंड ही नहीं करनी. मिल्क हमारे पास जो राइट आंसर है वो है ए, बिकॉज यहाँ पे देखें उन्होंने कहा था कि आइसक्रीम के जो उन्होंने चॉकलेट आइसक्रीम डाली थी वो 2 कप्स थे और मिल्क का 1 कप उन्होंने ब्लेंड किया था. सो द राइट आंसर इज, राइट रेशियो इज 2:1. नेक्स्ट पार्ट 2, 5:7 इज इक्वल टू x इज टू 2. ठीक है, अब वो कहते हैं कि इनको अगर हम डिवीजन की फॉर्म में लिखेंगे फिर क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे तो क्या वैल्यू आएगी x की. ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 7 और x डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, और 5 मल्टीप्लाई होगा 10 से और x मल्टीप्लाई होगा 7 से. 7x इज इक्वल टू 10 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 10/7. तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है पार्ट ए. ठीक है, आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं. कैसे करेंगे? 5/7 x/2. 5 को 2 से करेंगे 10 और 7 को x से करेंगे 7x. 7x is equal to 10 आएगा. 10 को दोनों तरफ आप डिवाइड कर दें, x is equal to 10/7 आपके पास आंसर आएगा, क्योंकि ये मुझे सिंपलीफाई नहीं हो सकता. नेक्स्ट है, इन अ जू देर आर 4 लायंस एंड 2 टाइगर्स. एक जू में 4 लायंस है और 2 टाइगर्स है. द रेशियो ऑफ लायन टू टाइगर्स इज, लायन की रेशियो हमने फाइंड करनी है टाइगर से. तो लायन कितने थे? 4 और टाइगर 2. तो हमारे पास क्या आना चाहिए रेशो?
हमारे पास रेशो क्या बनेगी, फोर लाइन से टू टाइगर से, तो फोर इज टू टू, तो फोर इज टू टू को जब हम लिखेंगे फोर बाय टू, तो टू वन जर टू, टू टू जर फोर, तो ये बनती है टू इज टू वन। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर पार्ट ए में नहीं है, बी, पार्ट बी इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है, टू इज टू वन, क्योंकि फोर इज टू टू होगा तो जब फोर बाय टू होगा तो टू बाय वन। नेक्स्ट पार्ट फोर, 24:36:48 इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म विल बी, इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे बनेगी, इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी, इनकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म बनेगी, मोस्ट सिंपल, अगर आप इसको 6 से 2 से अगर करेंगे, 2 12 24 2 12 36, ठीक है, ये आपके पास वो मजीद आपके पास सिंप्लीफाई होंगे। अगर 3 से करेंगे, 3 से ये सारे नंबर होंगे नहीं, क्योंकि 36 3 से डिवाइड नहीं होगा, डिवाइड हो जाएगा बट वो भी मजीद सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। आप इसको अगर 6 से करें, 6 2 are 12 6 6 are 36 and 6 4 are 6 4 are, जब आप 48 आ जाएगा, बट देखें 6 7 are 48 and 6 8 are 48, बट इसको भी आपको मजीद सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 12 एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों को ऐसे डिवाइड करेगा कि वो सारे नंबर मजीद सिंप्लीफाई नहीं होंगे, ठीक है। 12 2 are 24 12 3 are 36 12 6 are sorry 12 4 are 48, ठीक है। तो आना चाहिए हमारे पास 2 3 is to 4। अब 2 3 आपको पता है प्राइम नंबर से वो मजीद सिंप्लीफाई नहीं होंगे, तो साथ में 4 भी नहीं होगा। पार्ट 8 12 18 24, ये मजीद सिंप्लीफाई हो रहे हैं, ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होती है जो मजीद सिंप्लीफाई ना हो सके। 12 18 और 24 ये मजीद सिंप्लीफाई हो रहे हैं। 4 6 और 8, ये तीनों नंबर, एटलीस्ट हमारे पास एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो सिंप्लीफाई ना हो सके। ये तीनों नंबर सिंप्लीफाई मजीद हो रहे हैं, ये भी नहीं हो सकते। 6 9 and 12, ये तीनों नंबर्स भी मजीद सिंप्लीफाई हो रहे हैं, ये भी नहीं हो सकते। 2 3 and 4, ये वो नंबर्स हैं जो मजीद सिंप्लीफाई नहीं होंगे, क्योंकि 2 3 सिंप्लीफाई नहीं होंगे तो 4 भी मजीद सिंप्लीफाई नहीं होगा। सो द राइट आंसर इज पार्ट डी। नेक्स्ट नंबर 5, इफ रेशियो 1 equal to 3 is to 5 is to 8 ratio 2, 12 is to 20 is to 32 ratio 3, 9 is to 25 is to 64, which statement is correct, इनमें से कौन सी statement correct होगी। Ratio 1 is equal to ratio 3, ratio 1 is equal to ratio 2 is equal to ratio 3, ratio 3 is equal to ratio 2, ratio 1 is equal to ratio 2। आप देखें वो कह, हमने एक जगह हमने जो explanation पढ़ी थी उसमें हमने देखा था कि ratio 1 ratio 2 के equal होती है, ठीक है, उसके इक्वल उसको होना चाहिए, या इन तीनों में से कौन सी रेशियोज एक दूसरे के इक्वल है, 1 3 के इक्वल है, 1 2 के इक्वल है, या 2 3 के इक्वल है। इसमें अगर आप चेक करें तो रेशियो 1 के जो वैल्यूज हैं उनमें 3 एक ऐसा नंबर है जो मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, इट मीन्स बाकी दो नंबर भी सिंप्लीफाई नहीं होंगे। तो रेशियो 2 में अगर हम इसको 4 से करें, 4 3 are 12 4 5 are 20 4 8 are 32, डिवाइड करने के बाद इनके आंसर सेम है, इनके आंसर अनचेंज रहे, दोनों के आंसर सेम है, तो दो कौन सी दो रेशियोज इक्वल हुई, रेशियो 1 और रेशियो 2। रेशियो 3 जो है ये इसके इक्वल नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे ये ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है, ये तो आपको कोई भी एक ऐसा प्रॉपर नंबर नहीं मिलेगा जो इन सबको डिवाइड करे। सो ऑन जो आपका हमारा पार्ट डी है वो हमारा करेक्ट आंसर है, रेशियो 1 इज इक्वल टू रेशियो 2। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आर कंप्लीटेड एंड अवर चैप्टर नंबर 6 रेशियो एंड प्रोपोर्शन इज आल्सो कंप्लीटेड। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह चैप्टर 7 से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।